विक्रम पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे दो लोगों को एक लोडेड देशी कट्टा और खाली खोखा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विक्रम थाना क्षेत्र के गंगाचक गांव निवासी सत्यम कुमार एवं दूसरे की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव निवासी कुमले कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार विक्रम पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी थाना क्षेत्र के नहर रोड के गंगाचक मुसहरी के पास दो युवक संदिग्ध अवस्था में सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस गश्ती मौके पर पहुंची और दोनों युवक को पहले अपने हिरासत में लेकर पूछताछ एवं जांच किया। जांच के क्रम में सत्यम कुमार के कमर में लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया। साथ ही कुमले कुमार के पॉकेट से खाली खोखा 315 बोर का बरामद किया गया, जिसके बाद दोनों युवक को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई और मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही दोनों युवक का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। स्वर्ण रानी के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। कल किस कारतूस के साथ गिरफ्तार हुए थे? कल इवनिंग पेट्रोलिंग में हम थे तो 9 बजे रात्रि में जब हम लोग असपुरा लख मोड़ के पास थे तो मुझे गुप्त सूचना मिला कि ये गंगाचक मुसहरी के सामने नहर रोड पे दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में एक मोटरसाइकिल के साथ खड़ा है। संभवतः उनके द्वारा कोई अपराध की योजना बनाया जा रहा है। मैं प्राप्त सूचना से तत्क्षण थानाध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया एवं उनके निर्देशानुसार प्राप्त सूचना की सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बल के साथ जब प्रस्थान किए तो करीब 15 मिनट के अंदर हम ऑन स्पॉट पहुंच गए तो देखे कि रोड पे एक बड़ का पेड़ है मुसहरी के सामने, जिसके पास एक लाल रंग का XCD मोटरसाइकिल लगी हुई थी और गाछ के बगल में अंधेरा था। वहाँ पर दो लड़का वहाँ पर खड़ा था संदिग्ध अवस्था में। चूँकि जो ही मेरा गाड़ी वहाँ लगी तो पुलिस गाड़ी देख वो भागने का प्रयास करने लगे, परंतु उसे हम लोग अपने साथ उपलब्ध बल के सहयोग से उसी जगह पर पकड़ के जब पूछताछ किए उनका नाम पता तो एक के द्वारा बतलाया गया कि उनका नाम सत्यम कुमार है और बाप का नाम मंटू कुमार है, जो गंगा चक्का ही रहने वाला था, और दूसरा व्यक्ति जो था वो मंटू का बहनोई था जिसका नाम कुमले है और वो अमरपुरा नौबतपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ का रहने वाला था। इसी बीच में चूँकि हम लोग कार्रवाई कर रहे थे तो कुछ लोग वहाँ आसपास के भी इकट्ठा, इन लोग के समक्ष ही जब उसका हम विधिवत बदन की तलाशी लिए तो सत्यम कुमार के कमर के बाएं साइड से एक कट्टा मिला, जिसको अनलोड करने पर उसमें एक 315 का ये जिंदा कारतूस लोड था और एक मोबाइल था। इसी प्रकार जब उसके साथ एक और लड़का था कुमले, जो उसका बहनोई है, उसके पॉकेट से एक 315 का खाली खोखा था। वो उसके बाद हम लोग विधिवत जो भी सामान प्राप्त हुआ सभी को जब्ती सूची बना लिए और सबको थाना लाए। थाना में आकर हम घटना के संबंध में लिखित आवेदन दिए, जिसके आधार पर दोनों को विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुआ है और अब